हे गाइस वेलकम दोस्तों, फाइनली रियलमी इंडिया सीईओ माधव सेठ ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि इंडियन मार्केट में 2022 में पहला स्मार्टफोन नंबर सीरीज यानी कि न्यूमेरिकल सीरीज के अंदर लॉन्च किया जाएगा। तो इससे आप लोग गाइस आईडिया लगा सकते हो कि न्यूमेरिकल सीरीज के अंदर अपकमिंग स्मार्टफोन सीरीज कौन सी है, रियलमी 9 सीरीज। तो उसी की बात यहाँ पर हो रही है। मतलब दोस्तों Realme 9 सीरीज आपको जनवरी के अंत तक या फिर मिड ऑफ फरवरी में डेफिनेटली देखने को मिल जाएगी। दोस्तों Realme के लिए जनवरी एंड फरवरी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग मंथ्स रहने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों Realme की तरफ से आपको बहुत सारे स्मार्टफोन्स देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों Realme 9 सीरीज के अंदर 4 स्मार्टफोन लॉन्च किए जाएंगे फिलहाल के लिए, ये 100% कन्फर्म है। जो स्टार्टिंग यानी कि बेस वेरिएंट होगा Realme 9i, वो आपको जनवरी के अंत तक मिल जाएगा। बाकी के स्मार्टफोन फरवरी में मिल जाएंगे। मतलब लास्ट फरवरी तक आपको Realme की 9 सीरीज के जितने भी स्मार्टफोन्स होंगे सारे के सारे देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको डेडिकेटली Realme 9 Pro 5G स्मार्टफोन के रिगार्डिंग ऑलमोस्ट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। मेरी प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग क्या क्या फीचर्स आपको मिल सकते हैं, साथ में दोस्तों प्राइस भी आपको बताने वाला हूँ। तो फुल एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, एंड तक बने रहिए। दोस्तों पहले बात करते हैं 9 Pro 5G स्मार्टफोन की डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो गाइस इस फोन के अंदर पॉलीकार्बोनेट का डिजाइन ऑफर किया जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों गिलास आप लोग एक्सपेक्ट मत करना, बहुत कम चांस है कि गिलास ऑफर करे। बाकी यहाँ पर प्लास्टिक का डिजाइन ही होगा जो कि ग्लॉसी फिनिश के साथ आएगा। इसके अलावा ट्रिपल कैमरास होंगे, LED फ्लैश होगी और Realme की ब्रांडिंग दी जाएगी। फ्रेम प्लास्टिक का ही होने वाला है। ये दोस्तों इनसाइड पंचुअल डिस्प्ले डिजाइन के साथ आएगा। दोस्तों इस फोन के अंदर आपको 120Hz का सुपर एमुलेट डिस्प्ले दिया जाएगा, जी हाँ। और इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी होने वाला है। इन फ्रंट कॉइनिंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी जाएगी। डिस्प्ले का साइज लगभग 6.5 इंच का होने वाला है। दोस्तों देखा जाए तो 120Hz विद सुपर एमुलेट डिस्प्ले, दोनों का कॉम्बिनेशन एक डिस्प्ले की क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट बढ़ा देता है। और बहुत सारे लोगों की डिमांड भी दोस्तों 120Hz विद सुपर एमुलेट डिस्प्ले होती है, तो नो डाउट डिस्प्ले की जो क्वालिटी होगी वो ज़बरदस्त होने वाली है। बाकी दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करूं तो इस फोन के अंदर दोस्तों अभी निकल के नहीं आया है कि एक्चुअल में कौन सा परफॉर्मेंस यूज किया जाएगा। बट दोस्तों मेरी प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग इस फोन के अंदर आपको क्वालकॉम का चिपसेट देखने को मिल सकता है। आई थिंक क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G यहाँ पर ऑफर किया जा सकता है। इसके दोस्तों मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं। दोस्तों इस फोन के अंदर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 दिया जाएगा जो कि Realme UI 3.0 पर ये बेस्ड होगा। दोस्तों इस फोन के अंदर आप लोग SD कार्ड एक्सपेंड कर सकते हो, चाहे भले ही आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिले, ठीक है। अब बात करते हैं कैमरास की। तो गाइस बैक साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा। जो प्राइमरी लेंस है वो दोस्तों 108 मेगापिक्सल का हो सकता है, जी हाँ 108 मेगापिक्सल का जो मेन लेंस आपको यहाँ पर ऑफर किया जा सकता है। एक अल्ट्रा वाइड होगा एंड देन एक माइक्रो लेंस दिया जाएगा। रियर कैमरा में आपको 4K का सपोर्ट दिया जाएगा। सेल्फी के लिए 16 या फिर 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल सकती है, जिसमें आपको मैक्सिमम 1080p 60fps पर वीडियो रिकॉर्ड करने का सपोर्ट दिया जाएगा। दोस्तों बैटरी की अगर बात करूं तो लगभग 5000mAh की बैटरी दी जाएगी और ये डिवाइस 65W के सुपर डार्ट चार्जिंग को सपोर्ट करने वाला है। 9 Pro Plus के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांस है कि 4500mAh बैटरी विद 65W चार्जिंग दी जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आपको बैटरी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट मिल सकता है, लगभग 5000mAh की बैटरी। बाकी टाइप सी पोर्ट दिया जाएगा, 3.5mm का जैक भी होने वाला है, फेस अनलॉक का फीचर होगा और आपको स्टीरियो स्पीकर्स भी मिल सकते हैं। फाइनली दोस्तों अब बात करते हैं इस फोन की प्राइस के बारे में। तो गाइस इसका जो स्टार्टिंग वेरिएंट होगा वो 6GB प्लस 128GB से स्टार्ट होने वाला है और इसकी जो प्राइस है वो एक्सपेक्ट 20,000 रहने वाली है। लगभग 20,000 रुपये में आपको ये स्मार्टफोन मिल जाएगा। जो हाईएस्ट वेरिएंट होगा 9 Pro Plus, उसकी प्राइस जो है वो 20 से 25,000 के बीच में रहने वाली है और इसकी प्राइस हो सकता है कि आपको अंडर 20,000 में भी ये स्मार्टफोन मिल जाए। आपको क्या लगता है गाइस इसकी प्राइस के बारे में, प्लीज कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिए। गाइस मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।